अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर सैयद अहमद ख़ान हमारा इन दिनों का टॉपिक है और सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात के बारे में मैं आपको तफसील से पढ़ा चुकी हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़, मैंने आपको बताया था कि एक मल्टी डायमेंशनल ये एक थी मूवमेंट थी जिसने मुसलमानों को सियासी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, इल्मी रदबी लिहाज से, मजहबी लिहाज से, बहुत सारे पहलुओं से सर सैयद ने, उनकी शख्सियत ने और उनकी इस तहरीक ने मुसलमानों की रहनुमाई की। और इसी सिलसिले में हम आज जो इसका इसकी सेकंड तहरीक अलीगढ़ का एस्पेक्ट या उसका पहलू पढ़ेंगे वो है तहरीक अलीगढ़ के तहत या सर सैयद अहमद ख़ान की अदबी और इल्मी खिदमात। सर सैयद अहमद ख़ान ख़ुद एक आप कह सकते हैं माहिर तालीम थे और तालीम से इनको बहुत मोहब्बत थी, उसके साथ साथ अदब से गहरा लगाव था। उन्होंने जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर ज़ोर दिया कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखें क्योंकि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत से वाकिफ़ थे, बरसगीर के हालात को जानते थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उर्दू ज़ुबान की तरवीज को करने के लिए, उर्दू ज़ुबान को राइज करने के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसको महफूज करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए। और जो उर्दू ज़ुबान का हमारे पास इतना बड़ा जो हमारे पास एक अदब का, उर्दू अदब का एक ज़खीरा है, वो सर सैयद अहमद ख़ान का भी उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथ उनके साथियों का भी। तो अब हम पढ़ते हैं, सर सैयद ने अदब और शायरी की अहमियत का एहसास करते हुए एक नया मकतबा फ़िक्र तख्लीक किया। यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अदब और शायरी थी उसको एक नया पहलू दिया। उससे पहले जो अदब था, उर्दू अदब था, उर्दू शायरी थी, जाहिर है बादशाहों के ज़माने थे, मुसलमान बादशाहतें थीं, तो अदब में और तरह का पहलू था जिसमें आप कह सकते हैं किसी हद तक हुसन, इश्क और इस तरह के मौजूद ज़्यादा ज़ेर बहस आते थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बात एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट पैदा किया जिसने अदब को भी तामीरी और तख्लीकी रंग दिया। यानी अदब को सिर्फ हुसन और मोहब्बत और महबूब के जज्बात तक महदूद नहीं रखा। आपने मुस्लिम अदीबों और शायरों को बामकसद और कौमी तहरीरें पेश करने की दावत दी। यानी आपने अदीबों और शायरों को ये बताया कि इल्म का, अदब का, उर्दू अदब का मकसद कौमी तहरीरें भी हो सकता है और इसका मकसद कौम को जगाना, कौम की रहनुमाई करना भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसमें इश्क और मोहब्बत की दास्तानें हों, महबूब के हुस्न और जुल्फ की तारीफ़ें हों, बल्कि इसका मकसद अवाम को मुल्क के हालात से रोशनास कराना भी हो सकता है, मुसलमानों को उनकी जो खोई हुई अजमत है उसका एहसास जगाने के लिए भी उर्दू शायरी को यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ मुसलमानों को उस नौजवान नस्ल को जिसको अपनी अजीम जो हिस्ट्री है वो मालूम नहीं है, उसको उर्दू अदब और शायरी के ज़रिए पहुंचाया जा सकता है ताकि वो अंग्रेज़ों के मغلوب होते हुए, उनके ग़ुलाम कौम होते हुए अपने आप को किसी किस्म के एहसास कमतरी में, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ना लेकर आएँ, बल्कि अपने इस शानदार माजी को याद करके अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वो आसान ज़ुबान में अपना पैगाम अवाम तक पहुंचाना चाहते थे। अदब और शायरी के मैदान में सर सैयद को बड़ी अहम शख्सियतों का तआवुन हासिल रहा। वो ख़ुद भी आला पाए के इंशा परदाज थे, खुद किताबें लिखीं और साथियों से भी लिखवाएं। यानी सर सैयद ख़ुद बहुत बड़े लिखारी थे। सर सैयद ने बहुत सारा अदब लिखा, किताबें लिखीं, बहुत अच्छे मजामीन लिखते थे और उन्होंने अपने साथियों से भी लिखवाई। आगे सर सैयद अहमद ख़ान की जो किताबें हैं उनकी तफसील है असारुस सनादीद, आईने अकबरी, खुतबात अहमदिया, तबय्यनुल कलाम, तफसीर कुरान पाक, रिसाला इसबाब बगावत हिंद, तारीख़ सरकशी बिजनौर, तुज़के जहांगीर। असारुस सनादीद दिल्ली की जो पुरानी इमारतें थीं उनके मुतालिक सर सैयद अहमद ख़ान ने एक अदबी तहरीर थी उनकी। ये आईने अकबरी भी इसी तरह अकबर के ज़माने से रिलेटेड कोई उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने अकबर के ज़माने की काफ़ी सारी जो थी उसके ज़माने को कवर किया था।
खुतबाते अहमदिया विलियम मेयर की किताब थी, जिसका सर सैयद अहमद ख़ान ने रिव्यू भी दिया था इस किताब के अंदर। और उसमें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारे एतराज़ात किए थे, जिनसे मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे। उन मुसलमानों के जो इमोशंस थे उसको बुरी तरह उसने हर्ट किया था, आपने उसका जवाब दिया। फिर इसी तरह तबय्यिनुल कलाम में आपने ये साबित करने की कोशिश की कि किस तरह बाइबल के और कुरान पाक के बहुत सारे अहकाम मिलते जुलते हैं। तफसीर कुरान पाक में आपने कुरान पाक की तफसीर लिखी। बिस्मिल्लाह असबाब बगावत हिंद में आपने वो रीज़न्स बताए कि बरसगीर के अंदर रिवॉल्ट या बगावत क्यों हुई, वो बगावत जिसको वो जंग आज़ादी जिसे हम जंग आज़ादी के नाम से 1857 के नाम से याद करते हैं, उसको अंग्रेज़ बगावत कहते थे, क्योंकि वो ये मानते थे बगावत तो बेसिकली वो होती है जो आप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ करते हैं। उस वक्त तक अंग्रेज़ों की हुकूमत तो कायम नहीं थी, इसलिए एक बाकायदा हुकूमत कायम नहीं थी, इसलिए मुसलमान उसको बगावत नहीं मानते, लेकिन अंग्रेज़ उसको बगावत कहते थे। अच्छा, उसके बाद है तारीख़ सरकशी बिजनौर, ये भी इसी से रिलेटेड थी, 1857 की जंग आज़ादी से रिलेटेड थी, जिसमें बिजनौर की आपने तारीख बयान की थी कि वहाँ पे क्यों बगावत हुई, सरकशी हुई। फिर तुज़ के जहांगीरी, ये जहांगीर की डायरी से रिलेटेड कुछ इसमें सैयद अहमद ख़ान की तहरीरें थी। उसके बाद है डिप्टी नज़ीर अहमद की तौबातुन नसूह इब्नुल वक्त और मिरातुल उरूस, ये डिप्टी नज़ीर अहमद के थे नॉवेल्स थे। उसके बाद मौलाना शिबली नुमानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फारूक अल गजाली अल मामून, ये उनकी तसानीफ थी मौलाना शिबली नुमानी की। उसके बाद हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, हाली के नाम से इनका तखल्लुस है, और आपने मैट्रिक की बुक्स में इनकी बहुत सारी पढ़ी होंगी, नज़में पढ़ी होंगी। मुसद्दस हाली, मुआज़दे दबीर व अनीस, दीवान हाली और हयात जावेद। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की आप मिसाल ले लें, या मौलाना शिबली नुमानी की, या सर सैयद अहमद ख़ान की, इनकी तहरीरें बिल्कुल एक अलग मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती थी उस ज़माने से, जिसमें उन्होंने शायरी को और नसर को मुसलमान कौम के अंदर इस्लाह का पहलू के तौर पे पेश किया। मुसलमान कौम में इस्लाह और नई रूह फूंकने के लिए, उनको उनका शानदार माजी याद दिलाने के लिए ये इस जो प्लेटफॉर्म है उर्दू का, उर्दू अदब का, उसको इस्तेमाल किया। और डिप्टी नज़ीर अहमद बहुत सारा इन्होंने इस्लाही लिखा, मटेरियल लिखा, अदब लिखा, जिसमें मिरातुल उरूस से मैं थोड़ा वाकिफ़ हूँ। तौबातुन नसूह भी इवन ये इस तरह का था कि जो उस टाइम का समाजी निज़ाम था, या हमारा जो उस टाइम का मुसलमानों का, बरसगीर के मुसलमानों का सोशल जो सोशल और कल्चरल जो बिहेवियर था, उसको बेहतर बनाने के लिए लिखी गई। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान और उनके जितने साथी थे जो मुसन्निफ़ थे, उन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने मुसलमानों को तहजीबी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से बेहतर बनाने की कोशिश की। और इनके अलावा भी कई अहले कलम सर सैयद के हलका इरादत में शामिल थे, हलका इरादत यानी उस हलके में जो लिखने वाले थे, जो मुसलसल कुतुब लिखते रहे, कुतुब किताबों की जमा। सर सैयद ने तहजीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसमें मुस्लिम माशरे को बेहतर बनाने के लिए रहनुमा उसूल बयान किए जाते थे। इस रिसाले ने आला कदरों के फ़रोग में बड़ी मदद दी, यानी उस ज़माने में मुसलमानों में कुछ चीज़ें बिल्कुल भी राइज नहीं थी, जैसे छुरी कांटे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और चम्मच का, स्पून का इस्तेमाल मुसलमान बिल्कुल नहीं करते थे। सर सैयद अहमद ख़ान इसी तरह कोई जो मगरबी लिबास पहनता था उसको बहुत बुरा समझा जाता था। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसको एक मुसलमानों को इससे इस रिसाले के ज़रिए को अंदर इस कल्चर को लाने की कोशिश की कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप फरंगियों से या अंग्रेज़ों के जो उस वक्त लोग यूज़ करते थे फरंगी, कि आप उसको सिर्फ उनके कल्चर से ही जोड़ के रख दें, या उसको सिर्फ उसको अंग्रेज़ों का एक उनके कल्चर का हिस्सा समझते हुए उसको सिर्फ बुराई ही समझें। इसी तरह इसके अंदर और सिर्फ ये चीज़ें नहीं थी, तहजीबुल अखलाक में और भी कई अखलाकी लिहाज से ऐसे कॉलम और ऐसी मजामीन शामिल किए जाते कि आम आवाम के अखलाक को बेहतर बना सकें। 1800
1867 यानी 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ तो सर सैद ने उर्दू के तहफ़ के लिए उर्दू डिफेंस सोसाइटी बनाई। ये सर सैद अहमद ख़ान की इल्मी और अदबी खिदमात में एक बहुत बड़ा कारनामा है। जैसे उनकी तालीमी खिदमात में अलीगढ़ बहुत बड़ा उनका कारनामा था, इसी तरह उनकी अदबी और इल्मी खिदमात में सबसे बड़ा उनका कारनामा ये था कि उन्होंने उर्दू ज़ुबान का तहफ़ किया और हर सतह पर उन्होंने उर्दू को डिफेंड किया। और इससे पहले सर सैद अहमद ख़ान ने 1857 से 1867 तक यानी 10 ईयर्स तक मुसलमानों और हिंदुओं के लिए बिला तख़सीस कोशिश की उनकी तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। वो दोनों को एक कौम समझते थे, लेकिन ये एक पहला मौका था जब उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोनों एक कौम नहीं है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान को मुसलमानों के दौर की यादगार समझते हुए हिंदुओं ने इतनी नफ़रत दिखाई, उर्दू ज़ुबान को इतनी सख्ती से ख़त्म करने की कोशिश की कि सर सैद अहमद ख़ान को ये महसूस हो गया कि हिंदू किसी सूरत अगर उनकी एक ज़ुबान को कबूल नहीं कर सकते तो वो किसी सूरत मुसलमानों को बहैसियत कौम बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेंगे। और ये पहला मौका था सर सैद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए एक अलग कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसीलिए हम उन्हें मेमार पाकिस्तान कहते हैं। बेसिकली ना तो सर सैद अहमद ख़ान के ज़माने में कोई पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था, ना सर सैद अहमद ख़ान की तहरीक थी, क्योंकि वो ज़माना था, आप तहरीक अलीगढ़ का बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, जहाँ पर कोई भी इंसान ये नहीं सोच सकता था कि वो मुसलमानों को एक अलग वतन दिलाएगा, बल्कि उस वक्त मुसलमानों को के बका की जंग लड़नी थी, मुसलमानों को बचाना ही मेन मकसद था। लेकिन सर सैद अहमद ख़ान को मेमार पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सर सैद अहमद ख़ान ने एक वो बुनियाद रखी थी, मुसलमानों के अंदर ये एहसास पैदा किया था कि वो अलग कौम हैं और हिंदू कभी भी उनको बहैसियत कौम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना हिंदुओं के साथ उनका मुस्तकबिल में गुजारा है। और सर सैद अहमद ख़ान ने 1857 में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ, बेसिकली ये तनाज़ा इसलिए हुआ था कि बनारस के हिंदुओं ने ये एक तहरीक चलाई थी कि उर्दू को ख़त्म करके हिंदी को सरकारी ज़ुबान के साथ साथ कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए। तो सर सैद अहमद ख़ान इस मौके पर बिल्कुल भी खामोश नहीं रहे, उन्होंने उर्दू के तहफ़ के लिए उर्दू डिफेंस सोसाइटी बनाई। इस सोसाइटी ने मुसलमानों की ज़ुबान, सकाफ़त और अखलाकी कदरों को बचाने के लिए अहम खदमात सर अंजाम दी। सर सैद अहमद ख़ान खुद अंग्रेज़ों के वफ़ादार शुमार होते थे, सरकारी ओहदों पर फाइज रहे थे और उनके असर व रसूख की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि हिंदी को वहाँ उस वक्त की जो ज़ुबान थी कौमी ज़ुबान हिंदुस्तान की, वो बनाने से गुरेज किया गया। वरना जो हिंदी रस्मुलख़त है वो जिस तरह से लिखा जाता है, आपने देखा होगा जो देवनागरी रस्मुलख़त जैसे लिखा जाता है, जैसे चाइनीज़ की तरह का, वो जिस तरह लिखा जाता है और उर्दू अरबी के रस्मुलख़त में लिखा जाता है, तो उससे मुसलमानों को एक बड़ा तहजीबी और मजहबी भी फ़ायदा था कि अब हम जिस तरह उर्दू पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हमारी कौमी ज़ुबान है, तो अरबी को पढ़ने में हमें कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन जो लोग जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले जो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते और हिंदी जानते हैं, उनके लिए अरबी को पढ़ना ख़ासा मुश्किल होता है। तो सर सैद अहमद ख़ान एक दूर रस ज़हनियत के इंसान थे और बहुत दूर तक सोचने वाले थे। उन्होंने मुसलमानों की जो इस चीज़ को भी महसूस किया कि मुसलमानों का तहजीबी और सकाफ़ती जो विरसा है वो उससे बिल्कुल कट कर रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की और उनके असर व रसूख की वजह से अंग्रेज़ जो हिंदी थी या जो नागरी रस्मुलख़त था उसको उन्होंने राइज नहीं किया और उर्दू ज़ुबान को ख़त्म नहीं किया। यहाँ पर सर सैद अहमद ख़ान की इल्मी और अदबी खिदमात मुकम्मल होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।